भी है कि जिस कांग्रेस के विरुद्ध आपने मोर्चा खोला था 2012 के अंदर, जब आपने पार्टी बनाई तब आपने कहा कि एक नई दिशा हम दिखाएंगे राजनीति की, एक नया नजरिया जो है वे विकसित करेंगे, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आपने मोर्चा खोला। अब आप उसी कांग्रेस के साथ होने जा रहे हैं, तो आपकी विचारधारा क्या है? निजी स्वार्थ ही हुआ ना ये तो पार्टी का? जी नहीं, निजी स्वार्थ नहीं है। देखिए, स्वार्थ से ऊपर सभी पार्टियों का जो अभी महागठबंधन बना है वो स्वार्थ से नहीं, दलों से ऊपर देश को प्राथमिकता। आज देश बसाना जरूरी है। आज देश में जो है ना अघोषित आपातकाल की स्थिति है। जिस तरह की तानाशाही सरकार चल रही है, कोई भी अपोजिशन में सरकार में हो, कभी भी विपक्ष को खत्म करने की राजनीति नहीं हुई थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जो केवल लोकतांत्रिक देश में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, देश सुदृढ़ नहीं चल सकता है। ठीक है संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, देश की लोकतांत्रिक अवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। तो एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस कह रही है हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तो दोनों की विचारधारा तो एक समान ही हुई ना, कि फेडरलिज्म और लोकतंत्र के विरुद्ध आप बोल रहे हैं। आप एक नेता का बयान दिखा दीजिए जी, जहां पर हमने ये कहा हो कि बीजेपी मुक्त भारत हम चाहते हैं। अरे हम तो वो है कि जब कोई नहीं जीता था, तीन मंत्रियों को जो विपक्षी पार्टियों के थे हमने मंत्री बनाया था, पहली कैबिनेट में, देश की पहली कैबिनेट में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके आज पुरुष, हमने मंत्री बनाया था। और मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, उनको हमने अपनी सीट खाली करके राज्यसभा के माध्यम से लेके आए, ये हमारी क्या बात करेंगे? आज जो आप लोकतंत्र देख रही हैं, ये कांग्रेस ने अपने खून से सींचा है, अपने ब्लड से सींचा है। तब हमें तकलीफ होती है जब कोई हिटलर शाही करता है, तब हमें तकलीफ होती है जब ये कहता है कि एक व्यक्ति का मतलब देश होता है, एक व्यक्ति का मतलब प्रदेश होता है। ठीक है, क्योंकि ऑल रिस्पेक्ट टू यू एंड योर पार्टी, तो आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे अध्यादेश के लिए? क्योंकि आप तो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो क्या आपत्ति है आपको? जी नहीं नहीं बिल्कुल, हमने ये कहा, हमने ना विरोध किया ना हमने उसका समर्थन किया। हमने ये कहा कि ये राज्यसभा का मसला है, जब राज्यसभा में बात आएगी तब हम इस बात को रखेंगे। आज आप अध्यादेश है आपके पास, कानूनी प्रक्रिया फ्री, आप प्रक्रिया फ्री आपके पास, आप क्यों नहीं गए उस अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट? आपको जाना चाहिए था ना। आप जमीन पर उतर कर आंदोलन नहीं कर रहे उस अध्यादेश के खिलाफ, आप घूम घूम कर विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए एक एजेंडा कर चला रहे हैं। क्या समझता नहीं है कोई नागरिक? नहीं समझ रहा क्या व्यक्ति कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? अगर आपको अध्यादेश से दिक्कत है, आप धरना चाहिए दिल्ली में कि सुप्रीम कोर्ट में धरना क्यों नहीं करते हैं? इसको कानूनी चुनौती दी जाएगी। अरे रजनीश जी, संदीप जी को कितने बार ऐसा बताएंगे, गिन लेते हैं हम बात जी। तो जिस तरीके से ये बात हो रही है, अभी बात हमारे साथी ने कहा, मतलब कितना हमला का महत्व पे एक बार भी नहीं आप पार्टी का कह रहे हैं। अगर शीला दीक्षित जी ने काम किया होता तो हारती क्यों? अरे भाई, काम न किया होता तो तीन बार लगातार बनती क्यों? इस बात का जवाब है नहीं दे पाइएगा आप अभी नए नए आए हैं राजनीति। अभी देखिए,